मेरे प्यारे साथियों, वंडर टिप्स चैनल आज आपके लिए लाया है एक शानदार लोकेशन से एक मोटिवेशनल वीडियो। मैंने जैसा कि अपनी बार बार वीडियोज में बताया है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो कुछ भी उससे दूर नहीं है, और उल्टा अगर नेगेटिव है तो आप ये सोच लीजिए कि किसी भी हालत में वो आदमी खुश नहीं रह सकता। इसलिए जिंदगी को खुशी से जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सारे कामों को सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच के ऊपर ले आए। दोस्तों, मैंने जिंदगी में इस अनुभव को बहुत अच्छी तरह से देखा है। जितनी खुशी आपको पल पल को जीने में मिलती है, वो सिर्फ आपकी सोच और उस सोच से लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट भी आपको साथ में मिल जाते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना चाहें, कैसे ना मिले अगर आप सोचते हैं केवल सकारात्मक सोच के साथ। बड़ी से बड़ी समस्या को भी हम दूर कर सकते हैं। आज मेरा मकसद जिंदगी का है कि हम अपने साथियों को कैसे टेंशन फ्री माहौल दे पाएं। और मैं नहीं दे रहा, दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे रहे, ये आपकी सोच ही आपको उस लेवल पर ले जाती है परफॉर्मेंस के कि आपको लगता है कि यू हैव डन समथिंग वंडरफुल इन योर लाइफ। इसलिए जिंदगी में एक बार रोको, आवाज आ गई। सिर्फ ये कहना है कि हम जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमें हर तरह की मुसीबत मिलेगी। आप इस तरह से देखिए, एक छोटा बच्चा होता है अबोध ज्ञान, और वो आराम से जिंदगी को जीता है अपने स्कूल में जाने से पहले। जैसे जैसे स्कूल में जाता है, धीरे धीरे उसको चिंताएं, टाइम की पंक्चुअलिटी, एक तरफ से देखे जाएं तो अच्छी आदतें पड़ती हैं, दूसरी तरफ से देखें तो वो थोड़े से टेंशन भी करने लगते हैं। वो तो चलो वो पार पा लेते हैं, पहले बच्चे रोया बहुत करते थे, आजकल गाड़ियाँ आती हैं, एसी बसेज होती हैं, आराम से खुश खुश वो बैठ के उसमें निकल जाते हैं। लेकिन जिंदगी तो इतनी आसान नहीं है आपकी, जिंदगी में तो कठिनाइयाँ आएंगी ही। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यू आर ए बॉर्न विनर, यू आर डेस्टिनी मेकर। और जब आप अपने डेस्टिनी को बनाते हैं, उसके लिए आपके पास सभी टूल्स होने ज़रूरी हैं, सभी स्किल्स होने ज़रूरी हैं, और भगवान ने आपको सब कुछ देकर भेजा है। सिर्फ शार्पन योर स्किल्स, और जिंदगी में जितना मोटिवेटेड रहते हुए आप अपने आसपास के मौसम को मोटिवेट कर पाएं, उसका मुकाबला ही नहीं है। करके तो देखो यार, किसी भी हालत में आप डिप्रेस्ड हैं तो सिर्फ अपनी वजह से हैं। एक कहावत मैंने आज से 40 साल पहले एक सेमिनार में सुनी थी, नोबडी कैन मेक यू हैप्पी, नोबडी कैन मेक यू सैड, इट इज योर मेंटल एटीट्यूड विच मेक्स यू हैप्पी और सैड। सो माई डियर फ्रेंड्स, जिंदगी की सोच ऊपर रखिए, और आपको देखिए चारों तरफ सारा जहां नजर आएगा और आपके हिसाब से चलेगा। इसलिए फिर भी अगर कोई डिप्रेस होता है, देखो मुसीबतें हर एक की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उनसे पार पाना इंसानियत का पहला फर्ज है। और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी आप ऐसा ही बना देते हैं। और जब आप नेगेटिव होते हैं तो आप देखिए घर में क्या कोई भी सदस्य या वर्क प्लेस में, बिजनेस में कोई भी खुश रह पाता है? नहीं। इसलिए आज से इस वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए भी आपकी कईयों की आदत होती है कि वीडियोस को आप देखते रहते हैं। खुशी मिलती है हमें, लेकिन हमारा भी हौसला बढ़ाई आप ही करेंगे।
तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज से कसम लें कि हम जिंदगी में ना तो गंदी आदतों को अपने साथ लेंगे और ना ही कभी डिप्रेशन मोड में आएंगे। वी विल बी ऑलवेज हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।